काम करने का मौका। अरे तो सीखो ना पहले, मैं बता रही हूँ ना आपको कि आप आज के युग में आप एक गाना गाइए सुपरस्टार, फॉर्च्यूनर ले लिए, अभी इन लोगों का टॉपिक फॉर्च्यूनर ले लिए, तो हम ये गाड़ी, तो हम ये घर ले लिए, तो हम ये टॉपिक, तो देखो टॉपिक ये नहीं है कि हम किस तरह आज ये फिल्म कर लिए तो ये ब्लॉकबस्टर हिट हो गई यार, आज ये गाना कर लिए तो ये तो करोड़ों में व्यूज आ गया यार। पावर स्टार पवन सिंह के बाद अक्षरा ने खेसारी के गाना उठा भोला दानी को लेकर दिया करारा जवाब। तो क्या है खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वैसा अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपके समझ में 100% आएगा। पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जब से एक हुए तब से अक्षरा सिंह का अगर देखा जाए तो काफी इंटरव्यू आपको सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे देखने को मिल जाए, बट जिसमें अगर देखा जाए तो अक्षरा सिंह ने खेसारी लाल यादव को ही टारगेट किया, क्योंकि काफी दिन से पावर स्टार पवन सिंह और देखा जाए तो अक्षरा सिंह का विवाद काफी दिन से चल रहा है, जिसकी वजह से अक्षरा सिंह ने ज्यादातर देखा जाए तो टारगेट पावर स्टार पवन सिंह को नहीं किया। लेकिन यहीं पर खेसारी लाल यादव का एक गाना रिलीज हुआ है उठा भोला दानी, ये गाना अगर देखा जाए तो इस बार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह में विवाद तो नहीं, लेकिन गाना क्या इतिहास रच पाएगा कि नहीं रच पाएगा, पावर स्टार पवन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड होता है कि हाँ वाकई में जितने भी पावर स्टार पवन सिंह के फैन गाना को देखेंगे कि नहीं देखेंगे। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अक्षरा सिंह ने तो खेसारी लाल यादव को बिल्कुल करारा जवाब दिया है कि इस बार गाना फ्लॉप होगा, तो कमेंट ज़रूर करना आप।